Assalam-o-Alaikum students, my name is Ms. Anika Zia, and I am your uh, principal course teacher of this subject, uh, which is your uh, major course in painting thesis, and the course code is FINE4125. Contents of Major Thesis Project. Thesis should represent a significant body of independent creative work. Students will be free to choose any topic of painting.

और टू प्रोवाइड द स्टूडेंट विद स्पेसिफिक वर्किंग फॉर मैट एंड गाइडेंस ड्यूरिंग प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ द थीसिस एग्जिबिशन ऑब्वियसली आपको गाइडलाइंस भी दी जाएंगी आपके साथ डिफरेंट आर्टिस्ट का काम भी शेयर किया जाएगा जेट हाउ यू कैन डिवेलप योर क्रिटिकल थिंकिंग एंड हाओ यू कैन क्रिएट योर यूनिक एंड डिफरेंट आइडिया फॉर द थीसिस so today we are going to cover the lecture number नाइन uh, इसमें आपने एक artwork प्रोड्यूस करना है जैसे कि आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मेरे साथ अपने डिफरेंट आइडियाज़ थीसिस के uh, तो उन्हीं उसी आइडिया को जो आपने इंडिविजुअली हर एक का अपना डिफरेंट आइडिया आप डिस्कस कर चुके हो काफ़ी उसके ऊपर तो उसके ऊपर आपने जो है अपना थीसिस का जो है वो असाइनमेंट क्रिएट करनी है मटेरियल जो है वो आप जो है अपने आइडिया के अकॉर्डिंग लेंगे जो थीसिस में आप कर रहे हो अगर आप टू को एक्सप्लोर कर रहे हो थ्री को एक्सप्लोर कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप अगर आप टेक्स्चर को एक्सप्लोर कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप जो है वो थोड़ा मीडियम्स को भी मिक्सअप करेंगे तो आप कैनवास पे काम करेंगे हार्ड बोर्ड आप ले सकते हो और ऑयल पेंट्स और सीमेंट के साथ भी आप काम कर सकते हो क्योंकि कुछ लोग आप में से थ्री को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं Uh, तो आप सीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरस भी यूज़ कर सकते हैं और यू विल ड्रॉ कॉम्पोजिशंस ऑफ योर आइडियाज इफ़ यू हैव शॉर्टेज ऑफ मटीरियल बट इट विल बी अ अम्पलीट आइडिया बेस्ड ड्राॅइंग एंड इट विल बी मार्क्ड एज वेल अगर आपके पास इन केस मटीरियल थोड़ा कम है पेंट्स अगर शॉर्टेज है वट यू कैन डू यू कैन ड्रॉ योर कॉम्पोजिशन आप पूरे कैनवस के ऊपर जो है अपनी डिटेल्ड ड्राइंग करेंगे और उसकी जो है वो फिर आपकी मार्किंग होगी बिकॉज़ ड्राइंग जो है इट्स जो है वो आपका पेंटिंग का मेजर पार्ट है और इट आल्सो टेक्स टाइम तो आप जो हैं अपने ड्यूरिंग क्लास जो है वो आप ड्राॅइंग uh, uh, जो है वो फिर डेवेलप करेंगी अपने आइडिया की uh, पहले आप स्केचिज uh, अप्रूव करवा लोगे और ड्यूरिंग क्लास जो है वो आप उसको आ, लाइव जो है उसको आप ड्रा करेंगे और आ, अगर कोई गाइडलाइन आपको रिक्वायर्ड होगी तो आप उस टाइम पे जो है मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं आई विल बी देयर विद यू ऑन द ज़ूम क्लास वीडियो कॉल तो आप वहाँ पे मेरे साथ जो है वो कम्युनिकेट uh, कर सकते हैं ये कुछ आर्टिस्ट का काम है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि इनके कोई ना कोई कुछ ना कुछ एलिमेंट या कोई कलर्स या कुछ कॉम्पोजिशंस जो हैं वो आपको हेल्प आउट कर सकती हैं आप लोगों के आइडियाज़ में जिस तरह से आपने मेरे साथ डिस्कस किया हुआ है so, सो सबसे पहले हमारे पास जो आर्टिस्ट हैं ही इज़ गुलाम मोहम्मद ग़ुलाम मोहम्मद लिव्स एंड वर्क्स इन लाहौर मोहम्मद यूजेज लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ बोथ हिज ओन आइडेंटिटी एंड कल्चरल हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्रेरी कॉन्टैक्सट सो जो आर्टिस्ट हैं वो टेक्स्ट को स्क्रिप्ट को उन्होंने एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन यूज़ किया है अपने काम में और वो एक्सप्लोर करते हैं इससे एक आइडेंटिफिकेसन और कल्चर में हमें किस तरह से टेक्स्ट नज़र आया है किस तरह से डिवलपमेंट हुई है आ, उसकी उसके साथ उसको रिलेट करते हैं और हिज़ वर्क्स आर इंट्रिकेट क्लाजेस ऑफ पेपर कटिंग्स ऑफ उर्दू टेक्स्ट एंड अदर लोकल स्क्रिप्ट पेस्टेड ऑन वसली पेपर समटाइम्स एम्बेलस्ड विद गोल्ड एंड सिल्वर लीव एंड इरानियन इंक सो हिज़ वर्क इज़ वेरी कंटेम्प्ररी अगर हम उसका मीडियम uh, की बात करें अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें आर्ट वर्क की तो इट इज़ वेरी कैप्टिवेटिंग आई कैप्टिवेटिंग Uh, आपको बहुत इन्फ्लुएंसिंग लगता है और uh, uh, एक डिफरेंट ही इमेज क्रिएट होता है आपको पता ही नहीं चलता दैट दीज आर द कटेड टेक्स्ट एल्फ़ाबैट्स आपको कुछ और इमेज जो है वो विजुलाइज uh, होता है उसके बाद हैं आयशा आबिद हुसैन द अकॉर्डिंग टू हर द पर्पज इज़ नॉट टू ले स्ट्रेस ऑन रिडिबिलिटी अब जो आर्टिस्ट यहाँ पे काम कर रही हैं शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड दैट जो व्यूअर हैं जो देखने वाले हैं वो इन uh, आर्टवर्क्स को स्टडी करें बिकॉज दे आर नॉट रीडेबल यहाँ पे जो हैं ये जस्ट इमेज़ का काम कर रहे हैं और ये uh, मैंने इसलिए शेयर किया आपके साथ ये इमेज ताकि आपको आइडिया हो दैट हाओ uh, जो टेक्स्ट है उसको आप किस तरह से एक विजुअल में यूज़ कर सकते हैं एज एन एलिमेंट एज अ विजुअल इमेजरी आप एक इमेज के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं एक अल्फ़ाबेट की आइडेंटिटी जो है वो एज एन इमेज भी है ठीक है तो आई वॉन्टेड टू चैलेंज द नोशन ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट एज टेक्स्ट ओनली एंड टू प्रोवाइड अ चांस टू द व्यूअर टू रीड इट एज एन इमेज टाइटल है इस काम का आज के गम के नाम सो so, आर्टिस्ट ने बेसिकली यहाँ किया किया है कि सरफेस भी खुद क्रिएट की है बेसिकली उसने वसलीस को लेके कर कंपाइल अप किया है और उससे एक थ्री डी इफेक्ट क्रिएट किया ठीक है एक टू डी मीडियम को लेके कर थ्री डी मीडियम क्रिएट किया है थ्री डी इफेक्ट क्रिएट किया है और उसके ऊपर जो है वो टेक्स्ट को जो है वो पेंट किया है और एक बुक की फॉर्म में उसको जो है वो क्रिएट एक ल्यून क्रिएट किया आप कह सकते हैं उसके बाद साद कैन की बात करें तो साद कैन भी जो हैं ही वॉज द फर्स्ट पाकिस्तानी आर्टिस्ट हु वॉज रिस्पॉन्सिबल टू इनकॉपरेट टेक्स्ट इन हिज visuals इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग और एक पेंटिंग का पार्ट जो है उन्होंने टेक्स्ट uh, को जो है बना दिया था तो समाइम्स आर्ट यूज़ टू हैव क्लोज टाइज विद लिटरेचर एंड आर्टिस्ट सच है साद कैन attempted to इमेजन जूअल एज सटेनियस एंड एक एक्ट ऑन द सेम सर्विस विद वेयरिंग डिग्रीज ऑफ सक्सेस सो सात कैन ने जो है वो एक कोशिश की थी और एक इमेजनरी जो है वो इम्पोर्टेंस uh, जो है वो दी थी वर्ल्ड uh, को अलॉन्ग विद विजअल्स और उन दोनों चीज़ों को इस तरह से ब्यूटिफली इनकॉपरेट किया था कि वो दोनों चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती थी विजुल्स एज़ वेल एज़ द टेक्स्ट सो ये जो काम है आ, आर्टिस्ट का साथ कैन का ये जो पैनल आप देख रहे हैं इसमें उन्होंने लेबर की बात की है आ, जो वर्किंग क्लास है जो आ, आ, हमारे पेजेंट्स हैं किसान हैं उनके ऊपर बात की है और इंसानों को एक वो उनको वर्क और इनक्रेजमेंट का जो है वो मैसेज दिया है और अगर हम गौर से देखें वो जो एक सर्कल बन रहा है राइट साइड पे ऑरेंज जो एक आप कह सकते हैं कि एक आ, सन का जो है ना सेटिंग सन का जो एक इम्प्रेशन दे रहा है तो उसके अंदर हमें एक आ, वर्ड जो है वो नज़र आता है आज मींस टुडे प्रेजेंट की बात हो रही है प्रेजेंट करंट सिचुएशन की तो और वो उसको बनाया किस तरह से हुआ है जो आज है वो बेसिकली एक हैमर है जो अलिफ है और जो उसका जीम बना हुआ है अल्फ़ाबैट वो एक सिकल है जो कि यूज़ होता है आ, आ, जब आप गंदम की कटा कटाई करते हैं फील्ड वर्क में फील्ड्स में तो वहाँ पे ये जो है ये फार्मर्स यूज़ करते हैं तो उन्हीं के टूल्स के साथ एक उन्हीं का जो उन्हीं की लाइफ से उन्हीं की जो इनर फीलिंग्स हैं इनर पेन है उनका जो हार्ड वर्क है उसको आर्टिस्ट ने जो है पोर्ट्रे किया है बड़ा ब्यूटिफली और जो हमें इसमें एक वर्क का और एक होप का जो है एलिमेंट नज़र आता है उसके बाद एक और आर्टिस्ट हमारे पास हैं मीर फारूक पुट्स टैबूट लव अंडर स्पॉटलाइट थ्रू कंटेम्प्रेरी आर्ट ये जो आर्टिस्ट हैं इनका काम भी बहुत कंटेम्प्रेरी है और एक डिज़ाइन लाइक क्वालिटी हमें नज़र आती है इनके काम में एंड हिज़ एम इज़ टू प्रोड्यूस कंटैम्प्रेरी आर्ट डिपिक्टिंग करंट कंसर्नस ऑफ द सोसाइटी इन एग्जाइटीज़ एंड एस्परेशंस बाई फोकसिंग ऑन पर्सनैलिटीज़ एंड मूवमेंट्स इन एन एल्यूरिंग मैनर सो अगर हम गौर से देखे हैं इन इमेज़स को तो यहाँ पर हमें इमेज़ एकदम से प्रमिनेंट और इतने ऑब्वियस नज़र नहीं आते हैं और वो आर्टिस्ट ने इंटेंशनली किया है बिकॉज़ आर्टिस्ट भी कुछ इन्हीं इशूज़ पर बात कर रहे हैं जो कि हिडन हैं थोड़े से आप कह सकते हैं कि इतने क्लो इतने ओपन अप नहीं हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जो हमारे इतने डायरेक्टली सामने नहीं आते हैं तो उनको हमें जो है वो एक्सप्लोर करना पड़ता है तो उस चीज़ के ऊपर बात की है आर्टिस्ट ने और हमें फिगर्स जो हैं वो नज़र आती हैं उनके वर्ड्स के अंदर ही और ये अगर हम बैकग्राउंड में देखें तो आर्टिस्ट ने अल्फाबेट्स को जो है वो यूज़ किया हुआ उर्दू के अल्फाबेट्स हैं और ही यूज़ टू दैट ही हैज़ पेंटेड दीज अल्फाबेट्स टू रिलेट हिज आइडियाज़ विद द लोकल कम्यूनिटी जो कि उनकी लोकल लैंग्वेज है उर्दू उसके साथ उन्होंने रिलेट किया है क्योंकि वो अपनी सोशल इश्यूज जो बात कर रहे हैं वो अपनी लोकेलिटी की बात कर रहे हैं अपने Uh, अपनी सोसाइटी की बात कर रहे हैं दैट्स वाई ही यूज दैट लोकल लैंग्वेज इन हिज पेंटिंग्स उसके बाद एक और आर्टिस्ट हमारे पास आते हैं इमरान अली काजमी हिज वर्क इज़ वेरी रियलिस्टिक हाइपर रियलिस्टिक और आप कह सकते हैं कि एक फोटोग्राफिक इफेक्ट हमें नज़र आता है और ही यूज टू पोर्ट्रे द रिच कल्चर ऑफ सब ड्रेसिंग फ्लावर्स ऑफ रोज एंड जैसमिन रिच कलर्स

कल्चर वैल्यूज़ उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं जो कि अकॉर्डिंग टू आर्टिस्ट जो है वो कहीं ना कहीं तक फेड अप हो चुके हुए हैं काफ़ी जो कंटेम्प्रेरी चीज़ें हैं कंटेम्प्रेरी जो कल्चर्स हैं एलिमेंट्स हैं उन्होंने उसको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर दिया है और वो चीज़ें हमें कहीं धुंधली होती हुई नज़र आती हैं जो हमारे कल्चर का पार्ट थी तो उन चीज़ों को आर्टिस्ट जो है वो पेंट करते हुए काफ़ी इन्जॉय करता है जैसे कि आप डिफरेंट कलर्स हो गए हैं वेडिंग्स के कलर्स हैं डिफरेंट हमारे कोयनस होते हैं उसके ऊपर जो डिफरेंट फ्लावर्स को और डिफरेंट uh, जैसे रोज़ की पेटल्स हैं या मेरी के फ्लावर्स हैं और एक फीमेल ब्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ भी uh, जो एक कनेक्शन बनता है इन फ्लावर्स का एलिमेंट्स का उसको भी एक्सप्लोर किया आर्टिस्ट ने अभी ये भी एक आर्टिस्ट का पेंटिंग ही है बट इट इज़ वेरी फोटो रियलिस्टिक एंड इट इज़ वेरी हाइपर रियलिस्टिकली पेंटेड ये भी आर्टिस्ट का एक काम है जिसमें हमने रोज़ेस को हम देख सकते हैं कि एक वो uh, उसके अंदर थाल के अंदर हैं एक ट्रे के अंदर है ये भी ट्रेडिशनल कुछ हमारी जो होती हैं वो uh, हमारी सेरिमनीज़ होती हैं जिसमें पानी डालते हैं आप और उसके अंदर जो है वो ब्राइडल uh, रूम जो है वो अपना एक रिंग जो है उसको फाइंड करते हैं तो डिफरेंट जो है सेरिमनीज़ और डिफरेंट जो कल्चरल हमारे इवेंट्स हैं उनको आर्टिस्ट ने एक्सप्लोर किया है ताकि हालांकि काफ़ी हद तक ये चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हुई हैं सेरिमनीज़ बट आर्टिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि मैं इस चीज़ को एक्सप्लोर करता हूँ और मैं इसको इंजॉय करता हूँ उसके बाद इकरा तोकीर हैं इन दिस थ्री डी आर्ट वर्क आर्टिस्ट हैज़ पोर्ट्रेट द स्पिरिट ऑफ ह्यूमन बींग confined into boundaries and limitations as imposed by the society female leg tangled into a thorny wire is metaphor of various restrictions confines the free will movement of females in the society rabia shahnawaz medium has been used here is paper mash on fiberglass if one looks closely we can see the dandelions have been painted on the female burst and an imaginary feeling is coming out. about the artist sabana artists artist from 3d artworks go explore currently and 3d medium go a dream does not become a reality through magic it takes determination and hard work life is not a bed of roses it is like a playground where every player tries his best to perform his duty. So artist ने जो हम हाँ, medium यूज़ किया है वो soap है और soap को एक आप कह सकते हैं कि noodles की form में जो है वो artist ने use किया है और उससे formation create की है ये एक और हमें इमेज नज़र आता है एक थ्री डी आर्टवर्क का और इसमें भी हमें जो है ब्यूटीफुल एक कॉम्बिनेशन नज़र आता है स्टोन्स का और uh, जो ह्यूमन बीइंग है uh, उसकी नेचर के साथ उसको जो है वो कॉम्प्लीमेंट किया गया है बिलाल अशरफ हेयर इज़ द पेंटिंग बाय बिलाल अशरफ आर्टिस्ट हैज़ प्लेड विद स्पेसिफिक टोन्स ऑफ कलर्स लाइक ब्लैक येलो एंड ग्रे विच आर सपोर्टिंग ईच अदर एंड पेंटिंग इज़ जनरेटिंग अ फीलिंग ऑफ अ प्रिंट फिगर्स हैव बीन ब्यूटिफुल ट्रीटेड एंड इट इज़ गिविंग असल हाउट इफेक्ट सो विद हेल्प ऑफ थ्री कलर्स आर्टिस्ट हैज़ क्रिएटेड एन इफेक्ट ऑफ अ प्रिंट और जो उसमें फॉम फॉर्म है वो भी हमें काफ़ी ऑब्वियस हो रही है ऐसा नहीं है कि फ्लैट इफेक्ट हमें यहाँ पर फील हो रहा है सो so, स्टूडेंट्स uh, आपको आपने ये आज का सो so, आज का जो टॉपिक है इसका पर्बज ही ये है कि आपके साथ जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपके थीसिस के आइडियाज आप उसके ऊपर जो है असाइनमेंट प्रोड्यूस करेंगे उसके ऊपर जो है आप प्रॉपर आर्ट वर्क क्रिएट करेंगे और जो मीडियम्स हैं वो भी आपको पता है आपने कौन से यूज़ करने हैं और उसके विद द हेल्प ऑफ दोज मीडियम्स आप जो है इस पर काम करेंगे अगर आपके पास शॉर्टेज है मटेरियल की तो आप उसकी जो है ड्रॉइंग्स उनको डेवलप करेंगे आप फुल फ्लैच जो है वो ड्राॅइंग्स अपने थीसिस की डेवलप करें और जिनके पास ऑलरेडी मटेरियल है Uh, वो लोग अपना जो है प्रॉपर जो है पेंटिंग उसको कंप्लीट uh, करेंगे और गूगल क्लास पे आप लोग सबमिट करवाएंगे और ड्यूरिंग क्लास जो है आप ये काम करेंगे ड्यूरिंग क्लास जो है ओनली ओनली ऑन दैट टाइम आप जो है ये काम स्टार्ट करेंगे और आपके पास इस वीक में जितनी आपकी क्लासेस होंगी उसमें आप यही अपनी जो असाइनमेंट है उसको फुल कंप्लीट करके सबमिट करवाएंगे थैंक यू